अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त सी ब्यूटी टिप लेके आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना है ताकि मैं आपको मजीद इसी तरह की अच्छी ब्यूटी टिप्स बताऊं। ये जो आज ब्यूटी टिप्स है ये बालों से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और बाल जो हमारे बहुत गिरते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों गिरते हैं। हालांकि ये एक नॉर्मल सी बात है, हाँ अगर हद से ज़्यादा गिरना शुरू हो तो फिर परेशानी की बात होती है। तो उस जो बाल गिरते हैं उनके लिए ये मैं ज़बरदस्त सा एक मास्क लेके आई हूँ। ये सिर्फ दो चीज़ें क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है जी त्रिफला पाउडर। ये त्रिफला पाउडर बहुत सी खूबियों का मजमू है। अगर आप चाहते हैं ये त्रिफला पाउडर, ये जो आप अंसारी नहीं होते वहां से इजीली मिल जाता है, आप उनको कहें त्रिफला पाउडर दें तो वो आपको आराम से दे देंगे। अगर आप चाहते हैं ये त्रिफला पाउडर मैं खुद आपको बनाना बताऊं तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा, तो ये आपने किसी पंसारी से त्रिफला पाउडर लेना है और ये हमने दही लेना है। यानी अगर आपके बालों की लेंथ के हिसाब से, अगर आपके बाल सपोज के आपके बाल कमर तक हैं, ठीक है, आपकी कमर तक हैं, तो उसके लिए ये इतना दही काफी होगा। यानी इतना हमें दही चाहिए और इसके अंदर हम ये जो त्रिफला पाउडर है ये 3 टेबलस्पून हम डाल इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये त्रिफला पाउडर की ये खूबियाँ हैं कि जिन लड़कियों के, मर्द हजरात के, बच्चियों के बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा, अक्सर क्या होता है कि लोग डाई करते हैं बालों में और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और जो सामने का पोर्शन होता है फोरहेड के पास वहाँ से बाल बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बच्चियाँ भी लगा सकती हैं, बच्चियों से मुराद के 12 साल से लेके तो बाकी जितनी भी है जो ये लगा सकते हैं। आपने सर को वॉश करना है, ड्राई बाल हों, साफ सुथरे बाल हों, तो उसके ये इस तरह ये जो दही का मैंने बनाया है ये आपने लगाना है, मिक्स करना है इसको अच्छी तरह। इसको करके तो आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्यों, ताकि ये जो त्रिफला पाउडर के अंदर जितनी भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये एक नहीं है त्रिफला पाउडर, इसके अंदर 3 जड़ी बूटियां हैं जिससे ये बन के तो मिलके तो बनता है। अच्छा, इसको भिगो देना ताकि ये अच्छी 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तो 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपके बाल साफ होने चाहिए, नहा के आपके बाल अच्छी तरह साफ हों, ड्राई हों, तो उसके बाद आपने जड़ों में और पूरी लट्टू में फुल, जिस तरह आप बाल डाई कराते हैं ना टोटल बालों में लगाते हैं, यानी जड़ों में अप्लाई करना है, जिस तरह पोर्शन करके बारीक बारीक आपने रूट्स में लगाना है और फुल बालों में लगा के आपने बालों को जूड़ा बना के इसको कैप पहन ले, 2 घंटे के लिए रखें कैप पहन के। अगर नहीं है, सपोज आपके पास कैप नहीं है, कोई पुराना कपड़ा बांध लें या फिर शापर लगा लें, 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। तो उसके बाद आपने रेगुलर जिस तरह आप नल के पानी से पहले इसको वॉश करें और जो हर्बल शैम्पू आप यूज कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, किसी भी कंपनी का आप ले सकती हैं, तो उसके साथ आपने बाल वॉश करें। ये आपने ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 दफा करनी है और इसके आप अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे। जिनके बाल ड्राई होते हैं, 2 मुंह होते हैं, जिनके फूले फूले से बाल होते हैं, वो सबकी शिकायत ये जो मास्क है उससे सबकी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो आपने ये रेगुलर अपने हफ्ते में 2 दफा अप्लाई करना है और इसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, आपके बाल सिल्की शाइनिंग हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। अगर आपको और तरह की कोई टिप्स चाहिए, कुछ पूछना हो बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी ब्यूटी टिप अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। इस खूबसूरत दुआ के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।